वेलकम ऑनलाइन क्लासेस विशाप अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम इज नेवर क्रिएट आर द डिस्ट्रॉय, एंड दैट मीन्स कि हम उसको ना तो लॉस कर सकते हैं ना तो उसको गेन कर सकते हैं, एंड दैट मीन्स कंजर्वेशन भी मोमेंटम इज द कंजर्व इन द नेचर। तो इन दिस केज हाउ टू डिराइव द फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में टकराता है तो टकराने के पहले उस ऑब्जेक्ट में जितना मोमेंटम होगा टक्कर के बाद भी उसमें मोमेंटम सेम होगा। तो इसी का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन करने के लिए हम जो आते हैं उस फेज पे, तो कैसे उसको डिराइव करेंगे, तो डिराइव हम लोग करते हैं आज यहाँ पे। सपोज टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, सपोज टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। अब यहाँ पे थोड़ा हम फिगर ड्रा करते हैं। सपोज द फर्स्ट बॉडी ए विच मास इज द एम वन, सेकेंड बॉडी बी विच मास इज एम टू। अब यहाँ पे एक फिगर हम दे रहे हैं कि दैट मीन्स एम वन एंड एम टू, और फिर एक फिगर हम यहाँ पे सेपरेट कर दे रहे हैं इसको, तो ए हो गया ए एंड बी एम वन एंड एम टू। अब यहाँ पे जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं तो अब हो गया यू वन एंड यू टू, ए हो गया वी वन एंड वी टू, एंड दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच मास इज इनिशियल मास इज द यू वन, एंड सेकेंड बॉडी विच इनिशियल मास इज द यू टू। सेकेंड फर्स्ट बॉडी विच फाइनल वेलोसिटी इज द वी वन, एंड सेकेंड बॉडी विच फाइनल वेलोसिटी इज द, अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं बिफोर कोलिजन। क्या लिखते हैं? बिफोर कोलिजन, यानी यह फिगर टक्कर के पहले के भी है। यहाँ पर लिखते हैं एट कोलिजन, एट कोलिजन, और यहाँ पर लिखते हैं हम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो अब यहाँ पे टर्म आते हैं इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इक्वल टू, तो मोमेंटम का फॉर्मूला इसके पलाया था मास इनटू वेलोसिटी एम वन यू वन। आप यहाँ पर निकालते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ ए इक्वल टू एम वन वी वन, यानी पहले बॉडी का। तो अब यहाँ पर निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अब इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा पी से, यानी चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल टू एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन। अब इसमें होता है कि चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब लिखते हैं बोथ साइड डिवाइडेड बाय टाइम, तो हो गया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन अपॉन डेल्टा टी। अब चूंकि डिफिनीशन है कि चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, चेंज द
rate of momentum, momentum is called force. तो according to definition इस term को हम कह सकते हैं force लिख सकते हैं, जिसको लिखते हैं F A B क्यों? क्योंकि figure में जो था पहले object A B से टकरा रहा है and that means force भी apply body A to B, यानी object A से B को force लग रहा है, तो हो गया M1 V1 minus M1 U1 by delta T. इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इनिशियल मोमेंटम सेकेंड बॉडी निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी करते हैं, ऑब्जेक्ट बी इक्वल टू एम टू यू टू, फिर निकालते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी इक्वल टू एम टू वी टू। तो अब यहाँ निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा, इसको हम पी टू कर देते हैं, तो हो जाएगा एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू। अब फिर लिखते हैं चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम, चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम, इसको लिखते हैं डेल्टा पी टू बाई डेल्टा टी इक्वल टू एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू अपॉन डेल्टा टी। तो फिर अकॉर्डिंग टू यह क्या हो गया चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो हो जाएगा एफ। अब यहाँ पे लिखेंगे बी ए इक्वल टू एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू बाई डेल्टा टी, इसको करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तो पहले ऑब्जेक्ट अगर ए बी से टकराया यानी पहला बल ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी को लग रहा है, तो अब न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ अप्लाई होगा, तो सेकेंड फोर्स अप्लाई बाई सेकेंड बॉडी टू फर्स्ट बॉडी, यानी जो रिएक्शन फोर्स होगा वह बी से किधर आएगा ए की तरफ आएगा। तो अब यहाँ पे फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी चूंकि रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो इसको हम नेगेटिव में साइन करेंगे, तो एफ ए बी क्या आया था एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टी से जब डेल्टा टी कैंसिल हो गया तो बचा क्या, तो यहाँ बचा एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन इक्वल टू माइनस एम टू वी टू प्लस एम टू। अब यहाँ पे यह यू वन माइनस में है उसको उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, ये हो जाएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, माइनस में ये टर्म इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अब ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। और इसको अब ऑर्डर में कर देते हैं एम वन यू वन प्लस
m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2। अब ये हमारा कंजर्वेशन मतलब क्या हो गया, इनिशियल मोमेंट फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, सॉरी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, यानी मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बोथ आर इक्वल। और ये स्टेटमेंट में वहाँ फिगर में भी दिखाए थे कि बिफोर कोलिजन जो हमारा मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम टक्कर के बाद भी होगा, जैसा कि इसमें लिख रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन द मास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर टेकिंग द सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।